नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में भू अभिलेख प्रबंधन समिति का हुआ लोकार्पण, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, पटवारियों को लैपटॉप देने की कही गई बात। भोपाल में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, शहर के लगभग 150 से ज्यादा पत्रकार हुए शामिल, जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी में समारोह का हुआ आयोजन। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कल झाबुआ दौरा, कानून व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से करेंगे भेंट, नवनिर्मित पुलिस आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीधे से खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला आया सामने, भाई और भाभी ने सगी बहन के साथ की मारपीट, मिट्टी का तेल डालकर बहन को जिंदा जलाने की कोशिश। सिवनी के दलसागर में बनने जा रहा प्रदेश का पहला सेल्फी पॉइंट, लोगों में सेल्फी पॉइंट को लेकर देखा जा रहा खासा उत्साह, सेल्फी पॉइंट का कार्य प्रगति पर। और अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल में राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भू अभिलेख प्रबंधन समिति का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश के भू अभिलेख के नए मॉडर्न कार्यालय की शुरुआत हुई है, कार्यालय में पुरानी मशीनों को हटाकर नई मशीनें लाई गई है, वहीं प्रेस को आधुनिक करने का एक प्रयास है और मशीनें मंगवाने की भी बात कही गई है। इस दौरान पटवारियों को लैपटॉप देने की बात कही गई। प्रेस में मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंध समिति के मॉडर्न कार्यालय की शुरुआत हुई है। बहुत दिन से प्रेस में बरसों पुराने, मैं ये कहूँगा कि अंग्रेजों के जमाने की बात की, बहुत सारी मशीनें थीं जो अच्छा काम आज के हिसाब से नहीं कर पा रही थीं, जिनकी प्रिंटिंग इतनी आधुनिक नहीं थी और जिनकी स्पीड भी इतनी अधिक नहीं थी। आज अत्यधिक मॉडर्न मशीनें यहाँ आई हैं, कलर्ड प्रिंट जिनमें निकल सकता है, एक साथ में पूरी की पूरी पुस्तक बंच होकर निकल सकती है। तो मध्य प्रदेश का जो हमारा सरकारी प्रेस है, उस प्रेस को आधुनिक करने की एक हमारी शुरुआत है। अभी और मशीनें भी हम मंगा रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो हमारी इस गवर्नमेंट की छपाई हो या गवर्नमेंट के बाहर की छपाई हो, उसको अधिक से अधिक सुंदर, आधुनिक, मॉडर्न हम बना सकें और तत्काल में हम लाखों कापी एक साथ निकालने की क्षमता रखते हैं। हमारे विधानसभा के जब सत्र चलता है, विधानसभा के सत्र चलते समय बहुत सारी राजपत्रों को निकालने की जल्दी जल्दी आवश्यकता होती है, हम कभी कभी उसमें डिले भी हो जाते हैं, हमारी विधानसभा की प्रश्नकाल यहाँ छपते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आज बड़ा शुभ दिन है जिनकी आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी में समस्त पत्रकारों के लिए सम्मान स्वरूप एक प्रतिभोज का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के लगभग 150 से ज्यादा पत्रकार सम्मिलित हुए। कुछ संगठन में ऐसे भी लोग होंगे कि जो दूसरे संगठन से भी जुड़े हैं, तो वहाँ अन्य लोगों की एंट्री नहीं हो पाती है। एक हमने वर्गीकरण कर दिया है, ये वीआईपी हैं या सामान्य हैं या असामान्य हैं, मतलब कुल मिला जुला करके हम मनुष्य नहीं। तो हम लोगों ने यह सोचा कि हमको पहले तो मीडिया में हैं, हम पत्रकार हैं, आप कैमरामैन हैं, तो सभी लोग हम लोग एक ही डायमेंशन के हम लोग फिगर हैं। मतलब यदि पत्रकार पेड़ की पुतली है तो उसका जड़ कोई है तो कैमरामैन लोग जड़ है, क्योंकि कैमरामैन के बगैर चाहे प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हो, वह अधूरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी जो आत्महीनता से, सर्वश्रेष्ठता से, हीनता की ग्रंथि से जो ग्रसित होता है, उसको ये लगता है कि पत्रकारों का एक अलग संगठन होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कल झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सुबह 9 बजे राजधानी से हेलीकॉप्टर से झाबुआ के लिए रवानगी लेंगे और 10:15 पर झाबुआ पहुंचेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से भेंट करेंगे और नव निर्मित पुलिस आवासों का लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके बाद झाबुआ सर्किट हाउस पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा कर 11:15 पर भोपाल के लिए वापस रवाना होंगे।
अपनी ही सगी बहन के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बहन ने अपने भाई को 6 वर्ष पहले कर्ज के कुछ रुपए दिए हुए थे। जब बहन ने पैसे वापस मांगे तो उस बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि भाई और भाभी ने मिलकर अपनी ही बहन को जान से मारने की धमकी दे डाली। आपको बता दें कि अपनी ही बहन पर घासलेट का तेल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और पीड़ित महिला को जिला अस्पताल पहुंचवाया गया। साथ ही मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कर ली है। तो जब हम लोग गए शादी में तो ये इसकी माँ की लकवा मार दिया है, अभी 6 महीना हो गया। ये गई माँ के पास देखने, तो ये बोले ससुर हमारा कि जब हमारे औरत को लकवा मार दिया तुम मेरी लड़की हो, तो इतना दिन कहा रही तो आज देख रहे भाई। तो तुम बोली, ये बोली कि मेरे बाप की पथरी थी, मैंने पैसा भी दिया रुपये भी दिए और तुमको ठीक करा दिया, तो तुम हमको लड़की नहीं मानो तो हम क्या माने कि माँ हो मेरी बाप हो। तो फिर इसका भाई उठा तो बोलती कि मेरी तुम बहन इस तरीके की तुम बात कर रहे हो, इसको फिर पीटने लगे। सिवनी के दलसागर में प्रदेश का पहला सेल्फी पॉइंट बनने जा रहा है। बता दें कि पिछले 1 महीने से दलसागर तालाब का सौंदर्यकरण लगातार जारी है। वहीं विधायक दिनेश राय मुनमुन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सौंदर्यकरण को जल्द पूरे करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि सिवनी वासियों को इस नए सेल्फी पॉइंट के बनने का बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश में भी आमजनों को पंचायत के जनप्रतिनिधियों की पूरी जानकारी एक ही क्लिक से मिल सकेगी। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड की जाती है और राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक अपील की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। वहीं हमारे संवाददाता भारत भूषण ने इस मामले पर राज्य सूचना आयुक्त से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की तमाम पंचायत और उनके प्रतिनिधियों का डाटा भी अब सार्वजनिक होने को जा रहा है। जी हाँ, ये भोपाल राजधानी से एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह की पहल पर एक बड़े निर्देश और आदेश को अंजाम दिया गया। हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं, हम उनसे इस मामले में आगामी चर्चा करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। पंचायतों के प्रतिनिधियों का सारा डाटा ऑनलाइन होगा, इसके निर्देश दिए गए, क्या इससे आमजन को राहत होगी, क्या फायदा होगा? देखिए, आमजन को जो सबसे बड़ी राहत जो है आगे आने वाले चुनाव में ये होगी कि एक तो कोविड के समय जो है जो पहले भीड़भाड़ लगती थी दफ्तरों में जानकारी लेने के लिए, वो नहीं लगेगी और अब उनको घर बैठे ही जानकारी मिल जाएगी, उनको आरटीआई भी फाइल नहीं करनी पड़ेगी। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जब जनप्रतिनिधियों की जानकारी इनको मिल जाती है, लोगों को, वोटर्स को मिल जाती है, तो ये संवैधानिक अधिकार है लोगों का जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया हुआ है और उसी का हमने कहा है कि उसका पालन होना चाहिए और ये वोटर्स का राइट है। वोटर्स इन्फॉर्म नहीं होंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे, इन्फॉर्म डिसीजन कैसे लेंगे? सर कितने समय में ये जानकारी पटल पर लाने का समय निर्धारित किया गया, क्या समय सीमा है? देखिए उसमें तो एक तो हमने 3 तरह की कैटेगरीज रखी हैं। एक तो पहली कैटेगरी तो ये है कि जिसमें जब आगामी पंचायत चुनाव होंगे, वो जब भी होते हैं, वो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का और शासन का निर्णय होगा, जब भी होते हैं तब उनको ये व्यवस्था बनानी होगी। उसी समय दूसरी जो व्यवस्था है जो कि हमने ज़िले के अधिकारियों को, कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि आप अपने ज़िले के वेब पेज पर जो चुने हुए प्रतिनिधि, जो जब पंचायत चुनाव होंगे जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उनके एसेट लाइबिलिटीज़, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारा कच्चा चिट्ठा आप उस पर डालेंगे, उनका शपथ पत्र जो है जिले की वेब पेज पर डालेंगे, तो ये एक व्यवस्था है। और तीसरा हमने जो वो अभी तो तत्काल लागू कर दिया है कि कोई भी अगर आरटीआई आवेदन लगाता है, जो कि वर्तमान में जो भी पदाधिकारी हैं पंचायत के, उनकी जानकारी के लिए, तो उसको तत्काल 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदन आने पर कोई बहाना नहीं चलेगा कि इसमें ये नियम है और सील्ड कवर है और ये सब हम जानकारी नहीं दे सकते, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा, उनको जानकारी देनी होगी। सर देखने में ये भी आता है कि लगातार आरटीआई कार्यकर्ता परेशान होते रहते हैं और ग्रामीण जनप्रतिनिधि और संस्थाएं जो हैं वो जानकारियां देने के नए नए बहाने खोजती रहती हैं, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा क्या कार्रवाई निष्पादित की जाती है?
देखिए ऐसा है कि जिस जो अगर जानकारियां अगर इस तरह से अगर कोई गुमराह करता है और जानबूझ के नहीं देता है, और अगर हम देखते हैं कि अधिकारी की नीयत गलत है, उसमें जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम 25,000 रुपये का जुर्माना जो है वो अधिकारी के ऊपर करते हैं। इसके अलावा जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, अनुशासनिक कार्रवाई, वो भी उनके खिलाफ प्रस्तावित की जाती है। तो इस तरह की पेनल्टी की कार्रवाई करते हैं अगर वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अगर जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो एक क्लिक में पंचायतों की सारी जानकारी, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की सारी जानकारी अब आमजनों को मुहैया रहेगी। हमारे साथ थे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी, कैमरा पर्सन रिजवान के साथ भारत भूषण, खबर भारत, भोपाल। भोपाल जीआरपी एचआरसी पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया जाता है कि आरोपी रामदास और अर्जुन सिंह जाटव ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट चोरी डकैती करते थे। वहीं अब तक 14 वारदात को अंजाम दे चुके हैं और आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। वहीं बबीना झांसी से गहने के साथ 2 सोनारों को भी गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों अनलॉक के दौरान ट्रेनों में वारदातों की संख्या में इजाफा हुआ, इसके चलते विशेष रूप से सिविल में चेकिंग लगाई गई और इसी क्रम में 2 संदिग्ध युवक इटारसी पुलिस द्वारा पकड़े गए। उन्होंने जब इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ किया और इनके कब्जे में स्थित बैग की तलाशी ली तो इसमें यात्री सामान पाया गया जिसमें कुछ गहने जेवर भी थे। दोनों संदिग्धों से पूछताछ में एक व्यक्ति का नाम राहुल उर्फ गौरंगा पाया गया जो भद्रक उड़ीसा का रहने वाला है और दूसरा अर्जुन जाटव आगरा का रहने वाला है। इन बदमाशों ने बताया कि पिछले लंबे समय से ये ट्रेन में चोरी की वारदात करते पाए गए हैं। इनके खिलाफ पहले भी विदिशा और भोपाल में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहा है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने लगभग 14 वारदातों करना अपने संज्ञान में लाया है और साथ में लगभग 10 महिलाओं को इन्होंने टारगेट बनाया है जिनसे 11 लेडीज पर्स चोरी हुए हैं। इनके तरीका वारदात में ये लोग रात की ट्रेनों को चिन्हित करते थे और इसमें विशेष रूप से महिला यात्रियों को अपना टारगेट बनाते थे और महिला यात्रियों का लेडीज पर्स चुराने के बाद उसमें से गहने जेवर और कैश वो अपने कब्जे में ले लेते थे और पर्स और बाकी मोबाइल वगैरह वो बाथरूम में या ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते थे। इस प्रकार पुलिस को लगभग 25 लाख रुपए का मशरूका बरामद करने में सफलता मिली है। 15 लाख का मशरूका इन्होंने पिछली बार जो पुलिस रिमांड में लेकर आरोपियों से पूछताछ की थी वहां सफलता मिली थी। पुनः इन बदमाशों से गहरी पूछताछ की गई और समग्रता से सुदीर्घ विवेचना के तहत जब कार्यवाही की गई तो 10 लाख रुपए का मशरूका और बरामद हुआ है। और इसमें आपको जानकारी दे दें कि इन्होंने आगरा में भी वारदात की थी, उस वारदात का भी खुलासा हुआ है। बीते दिनों से ट्विटर लगातार विवादों में बना हुआ है। वहीं ताजा मामला भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश करने से उपजा है। सद्भावना अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने भोपाल के साइबर अपराध थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और साथ ही मंच के कार्यकर्ताओं ने ट्विटर पर जन भावनाओं को आहत करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ट्विटर भारत के CEO मनीष माहेश्वरी समेत अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए जब ट्विटर ने देश को विभाजित करते हुए जो नक्शे ट्विटर पे डाले उससे जनभावनाएं आहत हुई हैं और उसी संदर्भ में उसी तारतम्य में आज हम लोग सभी सद्भावना अधिकार मंच के कार्यकर्ता SP से मुलाकात कर साइबर क्राइम से उनसे मिले, उनको इस बारे में अवगत कराया और उन्होंने मामले को पंजीबद्ध किया है। देखिए आज स्टेट साइबर सेल में दुर्गेश केसवानी जो हैं वो सद्भावना अधिकार मंच की तरफ से उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है जो ट्विटर पे भारत का जो नक्शा है वो गलत दर्शाया गया है उसकी उस संबंध में उन्होंने शिकायत की है। इसके ऊपर जांच के बाद प्रकरण धारा 505(2) में IPC की कायम कर लिया गया है विरुद्ध मनीष महेश्वरी जो ट्विटर के CEO हैं और अन्य सहयोगी उनके। देवास में लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों की जमीनों पर उद्योग और सड़कें बनाने के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदीप चौधरी ने लैंड पुलिंग को एक सोचा समझा स्कैम बताया है। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देगा, इसके लिए अगर अनशन पर बैठना पड़े तो वह भी करेंगे। इस दौरान SDM प्रदीप सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पिछले समय में भी देवास के आसपास के जो गांव हैं उन किसानों के साथ धोखा हुआ। हमारी ज़मीनें शासन के द्वारा अधिग्रहण की गई, उद्योग लगाए गए, उसमें 80% उद्योग आज हम सब लोगों के सामने बंद पड़े। साथ ही साथ अब एक नई योजना के रूप में फिर एक जमीन की लूट के माध्यम बनाकर फिर हम लोगों के बीच में आए। आज नगर कमजोर जाके भी मिला था चीज़ों को लेकर। आज हमने MPRTC में भी अधिकारियों से चर्चा की और उनने हमको आश्वासन उस समय दिया था कि नहीं आप नहीं चाहोगे जब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्वे फिर भी चालू है।
सर्वे कर रहे हैं और अंडरग्राउंड पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा विरोध है, एक भी किसान इस योजना में अपनी जमीन देना नहीं चाहता है। साथ ही साथ ये पूरा जितने गांव है उसमें 9 गांव नगर निगम सीमा में, और जो नगर निगम सीमा में मतलब शहर के बहुत ही करीब में, आप बहुत करीब में आप उद्योग लगाकर कहाँ जाओगे? अगर आपको उद्योग लगाना है, आपने पहले भी योजना बनाई उज्जैन में, उज्जैनी के नाम से एक बहुत बड़ी योजना जिसमें 1000 करोड़ रुपए का सरकार ने खर्चा करा, वहाँ उद्योग लगाइए। सिरसा में आपने 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करा, वहाँ उद्योग लगाइए। यह बहुत सारी जमीन जो पड़त है, जहाँ मवेशी चरते हैं, जहाँ उपजाऊ जमीन नहीं, आप वहाँ उद्योग लगाइए। ये ऐसी जमीन है जहाँ पर अन्नदाता को मेहनत करने पर उनका खून पसीने से वो फसल सींचते हैं और उस फसल से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। सीधी सीधी मैं आप लोगों को एक बार फिर बोलता हूँ, किसान एकता मंच है, हम सब लोग जो भी करना पड़े, हम हर 8 दिवस में एक हमारा आंदोलन चलेगा, और जरूरत पड़ी अगर अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, तो हम सब लोग तैयार है। यह हमारे आने वाली पीढ़ी की संपत्ति है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पैसों की मांग और लगातार ब्याज लगाकर सूदखोरों के द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित करने के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सूदखोर पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और आरोपी को 24 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं सूचना के अनुसार सूदखोरी से तंग आकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था। का शव हमें एसी लॉस्ट में मिला था, जिसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। उसके आधार पर हम अन्य साक्ष्यों के भी उसमें कथन नहीं किए गए, तो पहले हमारे पास जब्त किया गया। अनुसंधान में पाया गया कि राजेश भारतीय निवासी पचोर के द्वारा लगातार ब्याज अधिक लेने की बात को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था, जिससे लगातार जो मृतक था वो पताड़ी था। इसके द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की गई है, जिसमें से धारा 306 एवं पीड़ियों को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जा रहा है। रतलाम में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। खबरें जैसे कि शहर में फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में ऐसा कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यह बात जरूर है कि डेल्टा वेरिएंट 80 देशों में पाया गया था और एमपी के निर्देश द्वारा ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने वाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं रतलाम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि सोशल मीडिया पर यदि किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रामक या गलत खबर चलाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज सोशल मीडिया पे मैंने कुछ इस तरह की भ्रामक खबरें देखी कि डेल्टा वेरिएंट के कारण रतलाम में लॉकडाउन लग रहा है और बहुत ही विषम स्थिति बन रही है। यह खबर पूरी तरह भ्रामक है। मैंने पुलिस अधीक्षक रतलाम उनसे कहा है कि इस संबंध में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वर्तमान में धारा 144 लागू है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी भ्रामक खबर महामारी के संबंध में फैलाना अपने आप में अपराध है। तो निश्चित तौर पर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज होगा। बजाय इसके कि लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइज किया जाए कि वो मास्क लगाएं, कोविड के संबंध में जो रूल है उसका उसको फॉलो करें, इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं जो गलत है, इस पर सख्त एक्शन होगा। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।